क्रिसमस पर रिलीज होने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है का ट्रेलर जारी हो गया है। यह कबीर खान द्वारा निर्देशित फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। कबीर के मुताबिक उन्हें अपनी फिल्म एक था टाइगर पसंद नहीं है क्योंकि उसकी मेकिंग के दौरान उन्हें कई समझौते करने पड़े थे। भले ही वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई हो लेकिन उन्होंने कई गलतियां की थी। शायद इसी कारण उन्होंने सीक्वल का निर्देशन नहीं किया और सुल्तान वाले अली अब्बास जफर को यह फिल्म करने को मिल गई। टाइगर जिंदा है के ट्रेलर में पूरी कहानी को खोल के सामने रख दिया गया है। इराक में फंसी नर्सों को बचाने का मिशन टाइगर को मिलता है। सारा खेल इस बात पर निर्भर है कि टाइगर इस मिशन को अंजाम कैसे देता है। क्या इस मिशन में रोमांच होगा यह निर्देशक के प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। इस मिशन को रोमांचक बनाने के लिए आधुनिक हथियारों पर खासा फोकस किया गया है। मशीन गन, गोलियां, हेलीकॉप्टर, विदेशी लोकेशंस के सहारे सलमान को हीरोगिरी दिखाने का भरपूर अवसर फिल्म में दिया गया है। यह बात ट्रेलर में साफ नजर आती है। अरसे बाद सलमान खान एक्शन करते नजर आएंगे और फिल्म का यूएसपी एक्शन है। ट्रेलर देख समझ आता है कि एक्शन दर्शकों को रोमांचित करने वाला है। ट्रेलर धमाकेदार है। कैसी फिल्म देखने दर्शक जा रहे हैं उन्हें पहले से ही मानसिक रूप से तैयार करता है। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन और टाइगर जिंदा है का ट्रेलर पहली बार में ही प्रभावित करता है। सलमान की पिछली फिल्म ट्यूबलाइट भले ही असफल हो गई हो लेकिन इससे उनके स्टारडम पर कोई आंच नहीं आई है। टाइगर जिंदा है धमाकेदार ओपनिंग करेगी यह बात ट्रेलर ने तय कर दी है।